गुरुवार को महिला थाना में एक विवाहिता को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज हुई है। कार्मिक नगर के रहने वाले सुशील सिंह नामक युवक ने अपने एक दोस्त हाउसिंग कॉलोनी निवासी करण सिंह पर अपनी पत्नी प्रीति सिंह को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया। सुशील सिंह ने बताया कि करण आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में वो एक लड़की का MMS बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर चुका है। पत्नी के साथ भी किसी तरह का वाकया ना हो जाए, इसका भी डर बना हुआ है। सुशील ने बताया कि करण के साथ एक ही कंपनी में काम करने के दौरान जान पहचान हुई थी। पिछले साल पत्नी के साथ दार्जिलिंग घूमने गए थे, वहां से दोस्त करण को भी बुला लिया था। दार्जिलिंग में ही करण के साथ पत्नी की जान पहचान हुई थी। मामला है कि मेरा एक दोस्त है, मेरी पत्नी को बहला फुसला के गाड़ी और पैसा कुछ लेके उसको भगा के ले गया, और मुझे शक है कि वो बिना मतलब का उसको जबरदस्ती रखा हुआ है। बहला फुसला के बुलाया, और वो लड़का पाँच साल पहले किसी लड़की का MMS भी बनाया था जो वो वायरल किया था। वही डर है कि अब मेरा पत्नी को रखा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। कब आपकी शादी हुई थी? शादी 4-4.5 साल पहले। कहाँ हुई थी? हम लोग मंदिर में किए भैया। कहाँ की रहने वाली है लड़की? लड़की पाटिल देगी। आप कहाँ रहते हैं? हम अभी कार्विक नगर में पहले रहते थे सिंदरी में, वहाँ पे क्वार्टर था, तो फिर हम लोग यहाँ चले आए थे, तो फिर चले गए दुर्गापुर हम लोग शादी करके, वहाँ रहने लगे, फिर वहाँ से फिर आए धनबाद। झगड़ा हुआ हम लोग के बीच में, कुछ हल्का फुल्का झगड़ा हुआ, वही विषय में ये सब हुआ। आपका जो दोस्त है वो शेवरोले में जॉब करता था और हम भी शेवरोले में जॉब करते थे, वहाँ से हम लोग का दोस्ती स्टार्ट हुआ था। दोस्त से आपकी वाइफ का जान पहचान कैसे हुआ? वो हम अगले साल हम लोग गए थे दार्जिलिंग घूमने के लिए, तो मेरा दोस्त वहाँ पे, वो जो करण था, वहाँ पे रायगंज में जॉब करता था SBI ATM कार्ड वाला में, तो हम उसको फ़ोन किए कि आओ करण, यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा बर्थडे है, पार्टी है, उसका भी वीडियो वगैरह सारा चीज़ है मेरे पास, फोटो भी है, तो वो आया, वहीं से जान पहचान हुआ। भी करण है कौन? ये हाउसिंग कॉलोनी में रहता है, बोलता है, धमकी उमकी भी दिलाता है फ़ोन करके, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। ये हाउसिंग कॉलोनी में अशोक सिंह का लड़का है, और हाउसिंग कॉलोनी मधुलिका पानी टंकी के पास घर है, वो मेरा दोस्त था, अब तो दोस्त नहीं है, दोस्त बोलने लायक नहीं है। पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास रहा है करण का? उसका इससे पहले 4-5 साल पहले किसी के MMS बना के वो वीडियो वायरल किया था। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरे पत्नी को किसी तरह आ जाए मेरे पास, और उसके जो भी है आके अपना जो भी कुछ जो क्लियर है क्या मैटर है हमको समझाया, और गाड़ी उड़ी जो लेके गया था वो हमको वापस चाहते हैं, और लड़की चाहते हैं। आप भागी थी, देखिए एक बार 8 तारीख को भागी थी, तो वो फिर यहाँ आई थी अपने दोस्त के पास, उसी समय से यहाँ रह रही थी, फिर आई 18 को, आई फ़ोन किया हमको 18 को आई, फिर 3 दिन रही, फिर स्कूटी 13,000 रुपया और एक बार Renault 6 मेरा फ़ोन, वो तीनों लेके कोर्ट से, वहाँ कोर्ट में देखा है आदमी, वहाँ से लेके गया करण के पास। हंसा करण अपना फोन नाम का नंबर दिया, फ़ोन खरीद सिम खरीद के दिया, एक फ़ोन दिया, उसी से वो बात करता है, उसका रजिस्टर्ड नंबर उसी करण के नाम का। हाँ, महिला थाना में दिए हुए हैं। क्या बोला मुझे थाना? वो बोले ठीक है, हम लोग उसको पकड़ते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, कल फ़ोन किए उसको, तो वो बोला कि आ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे में आ रहे हैं, नहीं आया। फिर 2 घंटे बाद फ़ोन किया गया, तो बोलता है कि कल आएंगे, आज फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, सारा नंबर और सारा चीज़ सब बंद हो गया। लड़ाई हुआ आपको पत्नी से? हुआ नहीं, हर पत्नी से मेरा हुआ था, करण से मेरा झगड़ा हुआ था एक बार, वही दार्जिलिंग जब गए थे ना हम लोग, वहाँ पे 8-10 हज़ार का कुछ था। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।